एंटी डिप्रेसेंट्स और सेक्स ड्राइव, इसका क्या संबंध है, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। जो जो लोग एंटी डिप्रेसेंट दवाई के ऊपर है, मतलब जिनको डिप्रेशन के लिए दवाई चालू है, वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमको सेक्स लाइफ में बाधा आ रही है। एक तो उनका इरेक्शन होगा नहीं है या इजैकुलेशन होगा नहीं। 25 से लेके 75% लोग जो एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर है, वो बोलते हैं कि हमको सेक्स ड्राइव कम लग रहा है या इजैकुलेशन होता नहीं है या डिलेड ऑर्गेजम होता है, मतलब बहुत देरी से मजा आती है सेक्स की, जो अतिशय उच्चतम स्तर है उस स्तर बहुत लेट आता है, या वो ऑर्गेजम जो है उच्चतम स्तर आनंद का वो आता ही नहीं है, ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमको इरेक्शन नहीं आता नहीं है, और एंटी डिप्रेसेंट के ऊपर है तो इरेक्शन नहीं है तो सेक्स ही नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली दवाई से इरेक्शन नहीं होता, दवाइयाँ क्या करती है कि डोपामिन को, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ जो है डोपामिन को कम करती है, डैम्पन कर देती है, तो इरेक्शन नहीं होगा, और इरेक्शन होगा तो इजैकुलेशन नहीं होगा, पतन नहीं होगा। वैसे यदि किसको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में भी सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो जाता है, प्लेजर कम होता है, आनंद कम आता है सेक्स में। तो वैसे ही डिप्रेशन से आपको आनंद कम है, इच्छा कम हो रही है डिप्रेशन है करके, और अभी एंटी डिप्रेशन देने के बाद में तो बहुत आनंद है, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर क्या करना है, एक तो हमको एंटी डिप्रेशन दवाई बदलनी पड़ेगी, क्या है कि SSRI जो है या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट जो है, जो सेक्स की इच्छा कम करते हैं या डिलेड ऑर्गेजम करते हैं, उसके बदले हमको लेना पड़ेगा बुप्रोपियॉन जैसी दवाई, विलेजोडॉन, मिरिटाजापाइन। तो ये दवाइयां जो है वो डिप्रेशन भी ठीक करेगी और सेक्स के ऊपर असर भी नहीं करेगी। और दूसरा, जिनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी है उनको वैसे ही कम हुआ है, मतलब इच्छा कम है, सेक्स ड्राइव कम है, अभी उनका क्या करना, तो उनको एक्चुअली एंटी डिप्रेशन देने से उनकी इच्छा बढ़ सकती है, क्योंकि डिप्रेशन कम हो गया तो इच्छा जागृत हो गई। देखो दोनों भी है, एक तो इच्छा कम है सेक्स की डिप्रेशन की वजह से, दवाई दिया एंटी डिप्रेसेंट्स, इच्छा अच्छी होना चालू हो गया, मजा आना चालू हो गया, इरेक्शन आना चालू, क्योंकि डिप्रेशन खत्म हो गया। और कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि एंटी डिप्रेसेंट देने की वजह से नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जो है वो ठीक नहीं कर रही है काम, ये भी हो सकता है। जिनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन है उनको तो हम बोलते हैं कि सेक्स करो, क्योंकि क्या होता है कि सेक्स जब करते हैं आप तो चारों फील गुड हार्मोन जो है उनकी मात्राएं बढ़ जाती है दिमाग में और अच्छा लगने लगता है। तो चार फील गुड हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन। तो ये चारों हार्मोन का सिक्रेशन होता है और आपको अच्छा लगने लगता है, तो बहुत ज्यादा टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो रिलीव करने के लिए सेक्स जो है वो काम में आता है। मगर यदि वो सेक्स की इच्छा ही कम हो रही है एंग्जाइटी डिप्रेशन की वजह से तो डेफिनेटली दवाई दो। और नॉर्मल है सेक्स की इच्छा, डिप्रेशन आ गया, सेक्स की इच्छा नॉर्मल है, प्रॉब्लम नहीं है, मगर दवाई लेने के बाद में यदि सेक्स ड्राइव कम हो गया तो दवाई बदलनी पड़ेगी। वैसे एंटीसाइकोटिक जवाब है, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी एंग्जाइटी, ये सभी दवाई डैम्पन करती है, ब्रेन को स्लो करती है, जिसकी वजह से डोपामिन लेवल्स कम हो जाती है और फिर सेक्स की इच्छा कम होगी। तो एक ही है इसके ऊपर चारा कि भाई दवाई बदलो, जो दवाई का साइड इफेक्ट सेक्स के ऊपर ना हो। ये भी आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।